हाँ तो गाइस आ गई है वो वीडियो जिसका हर क्या सबको ही बेसब्री से वेट रहता है कि कौन इसमें से बेटर होगा। तो आज हमारा जो बेब्लेड है वो है एलड्रेगो, मीटियो एलड्रेगो। मैंने इसका फेस बोल्ड निकाल दिया है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कहा था कि जितना लाइट होगा उतना बढ़िया रहेगा, तो मैंने फेस बोल्ट लगा वो मेटल वाला हटा के प्लास्टिक वाला लगा दिया है। तो आज बैटल करेंगे इसकी, यहाँ पे 100 बेब्लेट्स रखे हैं, 100 बेब्लेट से फाइट करेंगे और देखेंगे कितने बेब्लेट से ये जीत जाएगा हमारा मीटियो एलड्रेगो। देखना यही है इस पूरी वीडियो में से। और हमारा जैसे कि हमेशा की तरह होता है, इसको मैं चाहता हूँ क्या, मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि ये 15 बेब्लेट से ज़्यादा बेब्लेट से नहीं हारेगा, 15 नहीं 20 से कर रहते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी हल्का बेब्लेट है ये, तो कुछ कह नहीं सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा करूँगा, अरे यार फोकस हो जा। हाँ तो इसको मैं ऐसा करूँगा कि 50 बैटल ऐसे करेंगे और फिर 50 बैटल में इसका मोड चेंज कर देंगे। हैंड स्पिन नहीं करूंगा गाइस, मैं हैंड स्पिन नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ भाई। कहीं फिर कहो कि भाई हैंड स्पिन क्यों नहीं किया, तो हैंड स्पिन नहीं करेंगे, लॉन्चर से लॉन्च करेंगे। भाई लेफ्ट स्पिन है तो स्पिन सीलिंग तो करेगा ही करेगा, हैंड स्पिन कर लो या कैसे ही कर लो। हैंड स्पिन से थोड़ा सा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी कम स्पीड में स्टार्ट होता है फिर ज़्यादा ले लेता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम पूरा प्रॉपर बैटल करेंगे। ठीक है गाइस, ये फोकस वहाँ पर हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे दिख रहे हैं इसको, ये यहाँ पे एलड्रेगो भी फोकस कर भाई। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे टॉयज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी बेबलेट कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो उस चैनल को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइज, अभी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉयज वाले चैनल का, कर देना भाई सब्सक्राइब। ठीक है, स्टेडियम ये वाला यूज करने वाले हैं हम, क्योंकि इसमें हम रिंग आउट भी कर सकते हैं आराम से। 50 50 बैटल ये करेंगे, फिर 50 वाले में रेड वाला स्टेडियम ले आऊंगा मैं, कोशिश रहेगी रेड वाले लाने की, बट इसमें अगर मजा आया तो इसमें कर देंगे। पॉलिश मैंने इसको कर दिया है तो स्लिपरी रहेगा, बढ़िया रहेगा, ग्रिप अच्छे से बनेगी बेबलेट की। ठीक है, अभी लॉन्च करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो ये वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है, तो आराम से बैठ के देखना। और भाई वो तो उतने उड़ा दिए उसके, रुको यार मैं इसको इसकी ग्रिप लगा लेता हूँ एक अच्छी खासी, क्योंकि जो ये चीज़ है ना ये बहुत तेज़ लगती है और सर्दी का टाइम है तो हद से ज़्यादा तेज़ लगेगी भाई ये। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले बर्स्ट बेब्लेट से करता हूँ मैं पहले स्टार्ट। और एक मिनट यार, डब्बा जो हारने वाले होंगे उनको साइड में रखेंगे ना। ठीक है गाइस, तो हारने वाले को इस डब्बे में रखेंगे हम और जीतने वाले को यहाँ पे रखेंगे। ओके, ये वाला सीन सही है, बढ़िया लगेगा। इसको डब्बे को थोड़ा साइड रख देते हैं पहले। अरे हाँ अभी ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, देखते हैं भाई क्या एलड्रेगो जीतेगा या नहीं जीतेगा। स्टार्टिंग हेलियोस वल्केनो से कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी तो मैनेज कर लेना यार, बहुत ज़्यादा ही लंबी होगी फिर भी मैनेज कर लेना। ये क्या था भाई, ये तो दोनों ही बाहर जा रहे हैं स्टेडियम में, तो हमें स्टेडियम ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस स्टेडियम चेंज हो चुका है, अभी नहीं जाएंगे बाहर कोई बेब्लेड्स। इन 3 2 1 हो जाए शुरू। अरे भाई यार ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रहे हैं भाई, मैं कैसे फाइट करूँगा इससे इनकी। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं भाई असली में, हो गया। दोनों ही लेफ्ट पिन है तो दोनों में से जिसका स्टेमिना ज़्यादा होगा वही जीतेगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो भी। तो अभी मुझे लगता है मीटियो एलड्रेगो जीत जाएगा ये वाली बैटल। यस, पहला विनर है मीटियो एलड्रेगो पहली बैटल का, ये जाता है हारने वालों में। नेक्स्ट करते हैं इससे, यार ये तो राइट स्पिन है। ओके गाइस, ये वाला सीन भी रहेगा हमेशा ही मेरे साथ। तो इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ओके, इस बार राइट और लेफ्ट होगा तो देखना होगा कि मीटियो एलड्रेगो क्या कुछ कर पाता है। और बर्स्ट बेब्लेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं यार। मैं एंगल चेंज कर देता हूँ कैमरे का, ये वाला अच्छा नहीं है, ऐसे वाला ही अच्छा है। यप, ओके, तो आई थिंक ये एंगल बढ़िया है, इससे पूरा दिखेगा, बढ़िया है ना। मीटियो एलड्रेगो दूसरा बेब्लेट दूसरी फाइट भी जीतता है। अब बारी है थर्ड बेब्लेट किसको लेते हैं, टर्बोस्प्रिगन को। टर्बोस्प्रिगन राइट स्पिन है ना, हाँ राइट स्पिन है। ठीक है, इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ओ भाई क्या कर दिया इसने, एकदम से बहुत तेज स्पीड पर कर लेता है। अरे भाई टर्बोस्प्रिगन के तोते उड़ा दिए गए गाइस, बहुत बुरी तरह से। नहीं टिक गया भाई टर्बोस्प्रिगन, काफ़ी हद तक टिक गया, कब तक टिकेगा यह नहीं पता गाइस। ये स्टेडियम में फ्रिक्शन नहीं है
ये मत समझना कि ये खड्डे हैं तो थोड़ा सा गलत है ये स्टेडियम, बट नहीं, ये स्टेडियम काफी 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 मस्त है। जीत गया फिर से एल्ड्रैगो। ओके नेक्स्ट, ये वाला क्या नाम था इसका, चेन कर दिया ऐसा कुछ नाम है। 3 2 1 रुको यार, कमॉन कमॉन मीटियो। वैसे मीटियो मीटियो एल्ड्रैगो भाई स्पिन सीलिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी तो ये अटैक पावर कर रहा है पूरी पूरी। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि मीटियो एल्ड्रैगो पहला बेबलेट होगा जो हारेगा इससे, नहीं पहले पहला बेबलेट होगा जो जीतेगा इससे। कमॉन कमॉन, पहले सारे बर्स्ट बेबलेट्स को खत्म कर देते हैं ताकि बाद में आराम से मेटल फाइट से करेंगे। ठीक है, ये भी गया भाई, मेरे को लगा था जीत जाएगा लेकिन नहीं। अल्टीमेट वेलक्री विद डिस्ट्रॉयर ड्राइवर, लेट्स सी क्या होता है। अरे शिट गाइस, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। रुको, इन 3 2 1 हो जाए, हो जाए। ओ भाई साहब, रुको यार, बेचारे को सांस ही नहीं लेने दिया, तो भी अल्टीमेट वेलक्री जीतता है गाइस। भाई साहब तोते उड़ा दिए गाइस, ये नहीं सोचा था यार मैंने अल्टीमेट वेलक्री जीत जाएगा। वैसे चलो यार, अल्टीमेट वैल्करी है वो, जीतना ही था उसको तो। बारी है इन्फिनिटी अखिलेश, यही होता है गाइस, भारी जो बेबलेट होते हैं ना, जो हैवी होते हैं वो हरा देते हैं। लेकिन अगर शुरू में मेटल फाइट बच गए ना भारी बेबलेट से, जो हैवी होते हैं उससे बच गए, तो फिर जीत जाते हैं वो आराम से, जैसे कि अभी देखने को मिलेगा। आराम से जीत जाएगा लाइटनिंग एल्ड्रैगो, नहीं मीटियो एल्ड्रैगो। हाँ, थोड़ी सी मिली सेकंड से जीता है लेकिन जीता है। बारी है वर्ल्ड स्प्रिगन की, वर्ल्ड स्प्रिगन लेफ्ट स्पिन है या राइट स्पिन है, लेफ्ट स्पिन है। यस ओके, इन 3 2 1 हो गया शुरू, हो गया शुरू। ये अलग होगा, लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट हो गया ये, लेकिन वर्ल्ड स्प्रिगन अपने मिडल में अटका हुआ है और मीडियो एल्ड्रैगो साइड साइड में चक्कर काट रहा है। मेरा ख्याल है इसको जल्दी से फिनिश कर दें, बट ये जल्दी से फिनिश हो नहीं रही है वीडियो। लेकिन होगी भी नहीं भाई, ये बहुत लंबी बनेगी, देखते हैं 1 घंटे की बनेगी या उससे भी ज़्यादा बड़ी बनेगी। कम ऑन, अरे भाई मीटियो, ठीक है लेट्स सी क्या वर्ल्ड स्प्रिगन जीतता है मीटियो एल्ड्रैगो से। नहीं, मीटियो एल्ड्रैगो जीत गया। बारी है टर्बो अखिलेश की, यार रुको यार, एक को लेफ्ट कर लेते हैं एक को राइट कर लेते हैं, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके इन 3 2 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। शिट यार, ओह शिट, टर्बो अखिलेश जीत गया भाई, कैसे जीत रहे हैं ये। चलो टर्बो अखिलेश फिर भी डिजर्व करता है जीतना। ओके बारी है सेवियर वेलक्री। रुको गाइस रुको, ओके स्टार्ट। कमॉन मीटियो एल्ड्रैगो, मीटियो एल्ड्रैगो, फिर से वही, हमारा सेवियर बीच में अटक चुका है। और सेवियर का वो नहीं खुला यार, क्यों नहीं खुला पता नहीं। चलो सेवियर भी हारता है ये बैटल बड़े ही आराम से, या कुछ कह नहीं सकते गाइस, कुछ भी हो सकता है। नहीं हार गया भाई, अभी तक 2 बेबलेट जीते हैं, वो भी एक ही टक्कर से जीते हैं। अगर स्टेमिना बैटल कहीं पे भी हो जाती तो नहीं जीत सकते थे वो, लेकिन वो जीत गए 1 टक्कर से। कम ऑन ये भाई, यार ये क्या कर लिया इसने, अटैक पावर से फिर नॉर्मली चलने लग गया इधर, कहीं नहीं देखते भाई। वेनिश फैफनियर बर्स्ट होगा, नहीं इतनी इतना वो नहीं है, वेट नहीं है मीटियो एल्ड्रैगो में, अगर होता तो वेनिस फैफनियर को बर्स्ट कर देता। लेकिन काफी हल्का बेब्लेड है इसलिए नहीं कर पाएगा, और मेरे पास राइट स्पिन है ये वेनिस फैफनियर, मेरे को लेफ्ट जब भी मिलेगा मैं तभी कर दूंगा, और मेरे को लगता है वेनिस जीत जाएगा। नहीं मीटियो जीत गया कुछ मिली सेकेंड से, भाई कमाल कर दिया। चलो फिर से एक और लेफ्ट बेब्लेड, बारी है लॉन्गिनस, जुई लॉन्गिनस। ओए
रेस लग गई, रेस लग गई, रेस लग गई। ओह, एल्ड्रैगो जीत गया। एंड द विनर इज मिचियो एल्ड्रैगो। वैसे देखा जाए तो दोनों का जो ड्राइवर है, परफॉर्मेंस टिप है जो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है भाई, बर्स्ट वाले की भी और इसकी भी। ये देखो सेम सेम है बिल्कुल। आ गया, आगे आगे आ जाओ भाई। बुशी नशुरा ऐसे ही नाम है ना इसका। अरे यार ये लॉन्चर चेंजिंग का सिस्टम। ओ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ भाई, ये गलत हुआ यार। अनएक्सपेक्टेड बेबलेट जीत गया। अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था। तो ऐसा होता है गाइस, कई बार कुछ बेबलेट लकी निकल जाते हैं और वो जीत जाते हैं, और मुझे लगता है ये जीतेगा। हो 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 हो, एल्ड्रैगो कहाँ गया भाई, एल्ड्रैगो गुम हो गया। और यार मेरे को दिखा भी नहीं कहाँ कहाँ पे फेंक के मारा गया गाइस। यार ये क्यों है, ये एक टुकड़ा बचा, बाकी सब पता नहीं कहाँ पे फेंके गए हैं। एल्ड्रैगो को बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन एल्ड्रैगो जीत गया गाइस बर्स्ट फिनिश के साथ भाई साहब। मैंने बोला था कुछ ना कुछ होगा इसमें, क्योंकि अभी दिखाता हूँ मैं क्योंकि। अरे यार ये क्या हुआ, ये तो पूरा ही टूट गया। रुको गाइस, एल्ड्रैगो ने तोते उड़ा दिए हैं, एल्ड्रैगो ने अपना डीमन मोड दिखा दिया है। चलो हो गया ठीक। हाँ तो जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि ये ऐसे चल रहा था और एल्ड्रैगो ऐसे चल रहा था, तो ये यहाँ पे भिड़े हैं, ये कुछ मेटल पीस बड़ा भिड़ा हुआ शायद, जिससे कि इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ है। और भाई तोते उड़ा दिए इसके, तो मैं स्लो मोशन नहीं कर सकता इतनी लंबी वीडियो का, लेकिन हाँ वीडियो में जो यूट्यूब पे होता है एक स्लो मोशन का ऑप्शन, उससे करके देख सकते हो कौन जीता है। मैं कह सकता हूँ 100% एल्ड्रैगो जीता है, क्योंकि ये पहले ही बर्स्ट हो चुका था, बर्स्ट हुआ था तभी तो बाहर गए थे ये दोनों। तो भाई एल्ड्रैगो ने तोते उड़ा दिए इसके तो बहुत बुरी तरह से, ठीक है। ये मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये वाला जो है ये जीतेगा मुझे लग रहा है इसका। तो ही क्या यार इसमें अल्टीमेट, अरे भाई ये तो इवोल्व्ड है, वो भी क्या लगा रखा है यार ये। रुको भाई एल्ड्रैगो की खैर नहीं है। अरे शिट, लॉन्चर ही गया। भाई क्या क्या टूट रहा है यार इस वीडियो में। गाइस टूटा नहीं है, बस निकल गया। निकला भी इसलिए है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हैवी बेबलेट्स लॉन्च हो रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है। ठीक है स्टार्ट करते हैं एल्ड्रैगो, कम ऑन। चलो पहले इसको करते हैं लॉन्च। बोला था मैंने ये बाहर जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था भाई। टेम्पस्ट हारता ही नहीं है यार, अभी तो मेटल फाइट्स बचे हैं भाई काफी सारे, मेटल फाइट्स तो आए ही नहीं है यार, क्या दिक्कत है ये। काफी बेबलेट से हार रहा है यार, ये लॉन्च ही नहीं हो रहा, क्या सीन है इसका। हल्का होने का यही बुरा वो होता है यार, इसलिए मैं इसमें मेटल बोल्ट डाल रखा था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि इसको हल्का करो, तो ये हल्का होते ये सीन हो रहे हैं गाइस इसके साथ। मैं इसको हैंड स्पिन नहीं करूंगा, तो ये मत कहना कि हैंड स्पिन करो, बट मैं इसको भारी कर सकता था, लेकिन चलो यार कुछ नहीं कर सकते अब, क्या ही करें, बारी है मीटियो वर्सेस मीटियो की। अब देखते हैं भाई क्या बस रीमेक जीतेगा या फिर मीटियो ओरिजिनल जीतेगा। अरे अरे ओ भाई पेंट निकल रहा है यार स्टेडियम का, दोनों की रेस चल रही है अभी, तो मेरे ख्याल से रीमेक हारने वाला है बहुत बुरी तरह से। चलो पता चल जाएगा 2-3 सेकंड में। यस रीमेक हार गया। चलो अभी तक 4 बेबलेट जीते हैं। साइक्लोन रैग्नारोक, यार लेफ्ट राइट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। साइक्लोन रैग्नारोक, अरे ठीक है
मारो टक्कर मारो टक्कर मारो। देखो भाई स्टेमिना में तो जीत नहीं सकता एल ड्रैगो, इससे तो कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा अगर साइक्लोन रेगनोरोक से जीतना है तो, क्योंकि स्टेमिना में तो कोई चांस नहीं है मीटियो एल ड्रैगो के जीतने का। कमॉन एल ड्रैगो कुछ करना पड़ेगा बड़ा, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे तेरे, क्योंकि जो लाइफ आफ्टर डेथ वाला सीन है वो जीत जाएगा साइक्लोन, उसका ड्राइवर है भाई ऐसा, क्यों बंद होने के बाद में चलता रहता है। तोते उड़ने वाले हैं मीटियो एल ड्रैगो के मुझे लग रहा है, मैं आंखें टिका के बैठा हूँ देखता हूँ कौन हारेगा। ओके बोला था मैंने ये जीत ही जाता भाई, अगर इसको बर्स्ट नहीं किया गया और बाहर नहीं किया गया तो ये जीतना इसका कंफर्म होता है। ठीक है मीटियो एल ड्रैगो 5 बेबलेट से हार चुका है, बारी है मैक्सिमम गरुड़ा से जीतने की। इन 3 2 1 हो जाए शुरू, इन 3 2 1 हो जाए शुरू। चलो भाई थोड़ी देर वेट करो क्योंकि ये तो ऐसे ही चलेगा। पांच बेब्लेड जीत गए यार, कमाल की बात है। चलो देखते हैं 20 बेब्लेड जीत पाएंगे इससे या नहीं जीत पाएंगे। 80% विनिंग रेशियो मैं चाहता हूँ कि इसका हो, तो देखना होगा कि 80% विनिंग रेशियो है या नहीं है इसका। हाँ यही देखना है। ये तो हार गया भाई, मैक्सिमम गरुड़ा तो हार गया, ब्रेव वैलक्री से करते हैं। ओ जीत रहा है भाई, अभी तक जिंदा है शेर, अभी जिंदा है बट हार ही गया। मीटियो एल ड्रैगो विनर है बैक भाई, ब्रेव वैलक्री। और लॉन्चर के तोते उड़ा दिए हैं और ब्रेव वैलक्री भी जीता है भाई। यार वैलक्री सारे जीत रहे हैं क्या, दो वैलक्री जीत गए भाई, अल्टीमेट और ब्रेव, कमाल कर दिया यार। जिलियन जूस कमॉन, जल्दी हराओ यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कमॉन, अरे ये तो हारना है इसका कंफर्म है, बारी है वेरिएंट लूसीफर की। मेरे को ये देखना है यार कैसे लॉन्च होगा, वो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, पता नहीं यार क्या सीन है, लॉन्च ही नहीं होता। नहीं ये ठीक नहीं है, ये वाला ये ठीक है, ऐसे लॉन्च करेंगे। ओके ओ हेलीकॉप्टर चल गया, अरे यार फिर से वही मौसम पकड़ लेता है यार ये तो। भाई जब तक आएगा तब तक वेरियन लूसीफर वैसे ही बंद हो चुका होगा। क्या ही बोले यार, वेरियन लूसीफर तो वैसे ही तोते उड़ गए इसके, नहीं संभल गया है गाइस वेरियन लूसीफर, नहीं गया, तोते उड़ गए हैं वेरियन लूसीफर के, और रबड़ लगने की वजह उसके कारण वो जीत गया। ठीक है स्टोन पेगासस से कर लेते हैं, अब शायद मीटियो एल्ड्रा को फिर से हारने वाला है। इन 3 2 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। वो बच गया बाहर जाता जाता, फिर से बच गया, अब तो बच ही गया भाई, अब तो हार गया स्टोन पेगासस। स्टार्टिंग का ही होता है डरने का बस, उसके बाद तो कोई सीन ही नहीं है, और स्टोन पेगासस हारता है। बारी है नेक्स्ट स्क्रू ट्राइडेंट, ट्रैप चून कह लो भाई। ठीक है स्टोन पेगासस हारता है, यस 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 यस। नहीं यार मौसम पकड़ लेते हैं ना ये, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो टाइम लगता ही लगता है। कमाल की बात ये भी है गाइस कि मीटियो एल ड्रैगो ना वो एक ज़्यादा अटैक टाइप बेबलेट नहीं है, वो एक स्पिन स्टीलर है, तो इसलिए ज़्यादा अटैक कर नहीं पाता ये, रबड़ लगा है ना उसके। लाइटनिंग एल ड्रैगो अलग ही कहानी है उसकी, तो वो तो एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टर है, लाइटनिंग एल ड्रैगो खतरनाक है और मेरा फेवरेट है।
बट मेरे ख्याल से मैंने लाइटनिंग एलड्रैगो को लिया ही नहीं है, या फिर लिया है पता नहीं यार। अगर नहीं लिया होगा तो माफ़ी चाहूँगा, अगर लिया होगा तो ठीक है। क्या सीन है अबे, ठीक है ओके। मीटियो एलड्रैगो वर्सेस लाइटनिंग एलड्रैगो, भाई घुमा के मारा यार। कौन कहता है मीटियो एलड्रैगो अटैक नहीं करता, घुमा के मारा भाई, सारा मोमेंटम खत्म कर दिया यार। लाइटिंग एलड्रैगो बर्स्ट रीमेक खत्म हो गया पलक झपकते ही। बारी है इसकी, आहा, हमेशा जब भी ट्राई करता हूँ तेज लॉन्च करने की यही होता है। गाइस क्या हो अगर ये भी जीत जाए तो। लगभग 50 बेबलेट होने वाले हैं शायद, नहीं अभी तो काफी बचे हैं, 50 नहीं होने वाले, अभी हो जाएंगे जल्दी ही। डिवाइन बेलियल, लेट्स सी क्या करता है डिवाइन बेलियल। इन 3 2 1 हो गया यार, हद हो गई। ये जो फेक एलआर लॉन्चर है ना, इनकी ग्रिप बहुत बेकार है। अरे ओ भाई मजाक हो गया यार, बहुत गंदे वाला मजाक हो गया भाई मीटियो एलड्रैगो के साथ। भाई हिला भी नहीं है, अरे यार यार बिना हिले फेंक के मार दिया यार, फिर से करना है। अरे भाई डिवाइन बेलियल क्या बुरी तरह से जीता है भाई, बुरी तरह से नहीं क्या बढ़िया तरीके से जीता है यार। यार किस्मत ही खराब थी भाई मीटियो एलड्रैगो की। चलो अब तो हार जाएगा, बट हम जीत जीत गया है ये तो, जीता मानेंगे इसको। क्यों कर रहा हूँ दोबारा बैटर, मैं पता नहीं है, वीडियो लंबी कर रहा हूँ ये फालतू की, पर छोड़ो यार। मिट्टी एलड्रैगो को क्या फेंक के मारा है यार, तो यही होता है भाई, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ये जीता है गाइस, कहीं बाद में कमेंट करो कि जीतने वाले में डाल दिया, ये जीता है, फर्स्ट बैटल जीत गया तो जीत गया वो। ठीक है ईगल की कर लेते हैं रीमेक वाले, कम ऑन कम ऑन मीटियो मीटियो मीटियो। और भाई बीच में जाके बैठ गया है अर्थ ईगल, तो जल्दी करो यार पनवेल निकलना है। हाँ ये स्पिन सीलिंग मोड है, अभी इसका वो वाला मोड चलाएंगे अटैक मोड, उसमें देखते हैं क्या कर पाता है मीटियो एलड्रैगो। मुझे लगता है यार मेटल छोड़ो यार, नहीं करते भाई, नहीं तो बाद में कहोगे भाई हैवी कर दिया इसको भी फालतू में, नहीं लगाता मैं। ठीक है अभी तक जीत रहा है भाई, सबसे ही जीत रहा है, 6 बेबलेट से हारा है बस। ओके इन 3 2 1 ओ भाई डायनामाइट को हिला दिया, छोटे से बेबलेट ने डायनामाइट को हिला दिया। इस बार फिर से भाई पीछे से मार रहा है बार बार डायनामाइट बेलियल, बहुत बुरी तरह से पिटा है मीटियो एलड्रैगो के द्वारा। ठीक है गाइस अभी 2-3 बेबलेट से और कर लेते हैं, फिर इसको मोड चेंज करेंगे इसका, इससे करते हैं पहले। अच्छा ये सीन है इसका, ये तो हारना है ही गाइस। रुको जरा रुको, अरे रुको फिर से करना है। ये शांत कैसे है पता नहीं भाई, मेरे को लगा शांत नहीं होता ये कभी। गाइस शांति शांति ओम शांति शांति। चलिए बिना टक्कर के हारने वाला बेबलेड ये है। अरे भाई टक्कर ही नहीं हुई, बिना टक्कर के हार गया यार, शर्म आती है कोई, शर्म आनी चाहिए गाइस। अब भाई अरे यार ये तो मेरी गलती है गाइस, दोबारा करेंगे। ज़्यादा ही मोटिवेशन में आ जाता हूँ मैं और बहुत ही घटिया लॉन्च कर देता हूँ। सजिटेरियो
क्या लगता है गाइस, सजिटेरियस जीतेगा या फिर जो इसकी कमजोरी है वो इसकी कमजोरी हमेशा ही रहेगी? हालांकि बर्स रीमेक है, इसमें इतनी ज्यादा कोई कमजोरी है नहीं, बट हारेगा ये, फिर भी हारेगा। अरे खड्डे में फंस गया भाई सजिटेरियो। डिफेंस टाइप बेबलेट के लिए ये स्टेडियम थोड़ा सा नुकसान कर देता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा खड्डा है, उनको बैलेंस में नहीं रहने देता। यस, ये तो ड्रॉ हो गया गाइस, फिर से करना पड़ेगा। ड्रॉ कैसे हो गया यार, समझ ही नहीं आया मेरे को तो। ओ भाई क्या मार रहा है यार इस बार तो। ये कह रहा है भाई मेरे सामने तूने ड्रॉ कैसे कर दिया। अरे भाई संभल गया यार सजिटेरियो, फिर भी बहुत बहुत बुरी तरह से पिटा है गाइस सजिटेरियो। बॉस रीमेक बहुत बुरी तरह से पिटा है मीटियर एल्ड्रैगो से। तो ये पावर है मीटियर एल्ड्रैगो की। चलो ये लास्ट बेबलेट है, फिर मोड चेंज करते हैं इसका। टर्बो अखिलीस, टर्बो वैल्करी। बाहर जाते हुए टर्बो वैल्करी बाहर फेंक दिया। मेरे को लगा इस बार तो वैसे जाना इसको चाहिए था बाहर, बट वो चला गया बाहर। चलो कोई बात नहीं। ये क्या लग गया यार, ओ गाइस थोड़ा सा सीन हो जाते हैं कई बार। रुको मोड चेंज करते हैं। मोड चेंज हो चुका है गाइस और ड्रैगन क्लोज बाहर आ चुके हैं। अब रबड़ हिट कम होगा लेकिन जो मेटल हिट है वो ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ पे हिट होगा अब सीधा, और ये चलता ऐसे है तो ये ऐसे हिट होगा। हाँ ऐसे चलता है ना, ठीक है ओके। अब कर देते हैं भाई, देखते हैं। चलो ठीक है, अरे यार मैं नहीं चाहता कि हरक्यूलिस जीत जाए इससे, क्योंकि इसके नीचे भाई ड्राइवर वो वाला लगा हुआ है, इंपरर फोर्नियस वाला। जीतेगा मुझे लग रहा है यार हरक्यूलिस जीतेगा। कम ऑन मेटियो, टक्कर चाहिए बहुत गंदे वाली, नहीं तो हारेगा भाई। नहीं हुई टक्कर तेज वाली। तो ये है कहानी, मेटियो एल्ड्रैगो हारता है, आर्चर हरक्यूलिस नहीं हारा भाई, इज्जत बचा ली है अपनी, वो मेटियो एल्ड्रैगो जीत गया है। उससे ड्रेसील से करते हैं रीमेक वाले से। जीत गया भाई, पहले से वो क्या कहते हैं ड्रेसिल मार गया है भाई। प्लास्टिक जेन वाले जो रीमेक है ना, उनको तो जीने ही नहीं देते मेटल फाइट्स वाले, उनको क्या भाई, जो वो होते हैं ना क्या कहते हैं उसको। रुको यार ये लेफ्ट स्पिन करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ मैं कह रहा था प्लास्टिक जेन वालों के तो तोते उड़ाते रहते हैं मेटल फाइट वाले हमेशा ही, पता नहीं क्यों, लेकिन होता है, होता ही होता है ये तो। लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट, जो पीछे रहेगा वो हारेगा, रेस चलेगी और जो पीछे रहेगा वो हारेगा। इस बार तो एल्ड्रैगो आगे है तो एल्ड्रैगो जीतेगा, और एल्ड्रैगो जीत गया। यप बहुत ही आराम से। चलो भाई मिराज फैफनियर आ जाइए, इन 3-2-1 हो जाए। अरे यार इन 3-2-1 हो जाए, क्या सीन है, इन 3-2-1 हो जाए, हो जाए। लेफ्ट बस इज लेफ्ट, बारी है इन दोनों की आगे। पहले मैं बर्स्ट वालों को खत्म कर देता हूँ, फिर आएंगे मेटल फाइट्स पे, मजा तो उनमें आएगा असली। ओके और मेरे ख्याल से स्टेडियम भी चेंज कर देना चाहिए मेरे को। चलो भाई स्टेडियम चेंज करते हैं, बहुत हो गया। और मिराज फैफनियर जीतता है ये बैटल, मिराज फैफनियर जीत गया गाइस। स्टेडियम चेंज, अब और मजा आएगा, अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अब ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते,
रुकिए पहले इसको करते हैं लॉन्च। वैलक्री देखते हैं भाई, पिटता है वैलक्री यार जेनेसिस, मेरा फेवरेट बेबलेट है जेनेसिस, लेकिन पिट जाता है। और कई बार अनहोनी को होनी कर देता है ये। जीत गया एल ड्रैगो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। यार ये बहुत ही घटिया चीज है। ओके कैसे चल रहा भाई ये बेबलेट? चलो गाइस। अरे यार बर्स्ट वाले साइड में रख लेते हैं, तब तक इनकी फाइट होती है तब तक हम बर्स्ट वालों को रख लेते हैं। विनर है मीटियो एल्ड्रेगो। ठीक है बारी है कॉस्मिक पेगासस। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। लॉन्च ही नहीं हुआ यार, गैलेक्सी पेगासस लॉन्च नहीं हुआ। गैलेक्सी पेगासस का अटैक लॉन्च ही नहीं हो पाया भाई, बेचारा संभलने संभलने में ही रह गया यार। अटैक का मौका ही नहीं मिला इसको, संभलने संभलने में तोते उड़ गए। डेड हेडिस देखते हैं, मोस्ट किलर बेब्लेड, लेट्स सी क्या होता है। एल ड्रैगो कम। अरे यार ये नहीं जीने देगा यार, भाई डेड हेडिस ऐसे नाम नहीं है उसका। गाड़ देता है यार, ये बहुत खतरनाक बेब्लेड है ये। जीत गया यार डेड हेडिस जीत गया। बारी है नेमेसिस की, ट्विन नेमेसिस देखते हैं। ट्विन नेमेसिस में रिबूट ड्राइवर लगाऊं? छोड़ो यार क्या जाता है, लगा दूं नहीं लगाऊं? लगाऊं नहीं लगाऊं? लगा देते हैं भाई, नहीं तो बाद में बोलोगे लगाया नहीं है। रुको लगा देते हैं। ठीक है लगा दिया अल्टीमेट ड्राइवर। ओके मिटियो वर्सेस ट्विन नेमेसिस। लॉन्चर जवाब देने लग गया है, बट कोई बात नहीं, मीटियो एल्ड्रैगो जीत जाएगा ट्विन नेमेसिस से भी। अभी तक ट्विन नेमेसिस रीमेक वो नहीं हुआ, बस क्या कहते हैं रिबूट ड्राइवर ओपन नहीं हुआ इसका। अब हुआ भाई, अब कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है जीतेगा? नहीं, मीटियो एल्ड्रैगो है विनर गाइस। बारी है वॉइस लेपर्ड की। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। ऊपर लॉन्च हुआ भाई एल ड्रैगो इसके। अरे तोते उड़ा दिए गए स्टार्टिंग में ही, नहीं बच गया भाई बच गया। ये जो डिस्ट्रॉयर ड्राइवर है इसने बचा लिया इसको। कब तक बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? इसी के साथ ये वीडियो पहुंचती है आधे घंटे के ऊपर। हाँ गाइस मैं कहता रहता हूँ भाई, हमारे टॉयज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पे रीच मिल सके अच्छी खासी। तो हार गया है वो इस लेपर्ड भी। एक्सकालियस, एक्सकालियस देखते हैं अब। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, चलो भाई आज देख लेते हैं इसकी स्पिन सीलिंग कैपेबिलिटीज, स्पिन सीलिंग कैपेबिलिटीज। जीत गया गाइस, बंद होते होते इतनी बार जीत गया ये। रुको यार मैं फेयर बैटल कर लेता हूँ, फिर कहेंगे एक्सकेलियस के साथ बुरा किया। रुको मैं कर लेता हूँ, मीटियो एल्ड्रैगो जीत गया भाई, गिर गिर के जीत गया। स्पिन स्पिन स्टीलिंग इसको कहते हैं। चलो चांस तो वैसे भी नहीं था उसके जीतने का, बट कोई बात नहीं। ओके गाइस अब 10 बेब्लेड से हैंड स्पिन करेंगे।
हैंड स्पिन भी कर ही देते हैं, सबकी सबकी वो क्या कहते हैं डिमांड पूरी हो जाएगी वीडियो में, है ना, हैंड स्पिन भी कर ही देते हैं भाई 10 बेब्लेड से। चलो इन 3, 2, 1 हो जाए। अरे यस, हैंड स्पिन देखते हैं क्या कर पाता है मीटियोर ड्रैगो। वैसे मेरे को मोड चेंज करना चाहिए उसके लिए, पहले करते हैं वो इस बैटल के बाद में करते हैं, ये बैटल मान्य नहीं होगी गाइस। हाँ क्योंकि ये स्पिनिंग मोड में, वो स्टिलिंग मोड में था ही नहीं, अभी करेंगे इसको स्टिलिंग मोड में। रुको जरा फिर से करेंगे इन दोनों की बैटल स्टिलिंग मोड से। यस अभी ठीक है, अभी यहाँ पे भी रबड़ है, यहाँ पे भी रबड़ है, और हाँ बढ़िया है, अब करनी चाहिए इसको स्पिन स्टिलिंग। चलो अब देखते हैं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मीटियोर ड्रैगो स्पिन स्टिलिंग। ओके देखते हैं क्या होगा। 3, 2, 1 मुझे शुरू। चलो भाई स्पिन स्टिलिंग देख लेते हैं, अगर 10 बेब्लेड नहीं 2 बेब्लेड से हार गया ना स्पिन इसमें हैंड स्पिनिंग में, तो मैं नहीं करूँगा हैंड स्पिन, क्योंकि भाई बेकार है फिर तो हैंड स्पिन। मेरे को लग रहा है इसमें भी हार ही जाएगा ये, नहीं जीत गया। चलो पहला जीतता है, बारी है यूनियन अखिलेश से हैंड स्पिन। ओके ओह शिट, पहले से हारता है गाइस ये यूनियन अखिलेश से, हैंड स्पिन नहीं करूंगा मैं अगर एक से और हार गया तो। 2 बेब्लेड से हुई है अभी तक हैंड स्पिन और एक से हार गया, इससे तो हो ही नहीं सकती, छोड़ो इससे करेंगे। अभी तक तो कर रहा है हैंड स्पिन, कब तक करेगा वो देखते हैं। ओके जीत गया, दूसरे पे 3 बेब्लेड से हो चुकी है अभी फाइट हैंड स्पिन। ओह शिट, इससे कैसे करूँगा हैंड स्पिन, ये तो हैंड स्पिन के काम का ही नहीं है भाई। चलो जो भी है करते हैं। ओ स्पीड बढ़ गई भाई मीटियोर ड्रैगो की। अरे ओ हार भी सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। जीत गया, 4 बेब्लेड से हो चुकी है हैंड स्पिन। डर लगता है यार हैंड स्पिन में हारने का, पूरा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओके अब देखते हैं भाई ग्रेटेस्ट रफाइल क्या अपनी पावर मीटियोर ड्रैगो में देगा या नहीं देगा, क्या मीटियोर ड्रैगो अपनी पावर खींच पाएगा ग्रेटेस्ट रफाइल से, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी, बट कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी कर रहा है, लेकिन हार गया ग्रेटेस्ट रफाइल नहीं कर सकता, 2 बेब्लेड से हार चुका है, ये 2 बेब्लेड स्पिन स्टिलिंग से हारे हैं, जीते हैं ठीक है। अभी हो चुकी है 5 बेब्लेड से फाइट, अगर एक से और जीत गया तो नहीं करेंगे स्पिन स्टिलिंग वाली, ठीक है। अगर यही बैटल मैं उसमें करता लॉन्चर में तो एक से भी नहीं हारता, ये हार भी सकता था, देखते हैं। ओ शिट, मैंने हैंड स्पिन किया क्या भाई, सेव स्लैश वैल्करी भी जीत गया गाइस, ठीक है अब नहीं करूँगा मैं हैंड स्पिन, देख लिया होगा हैंड स्पिन में क्या सीन रहता है। ओके चलो इसी मोड में कर लेते हैं, अब इसको वापस चेंज नहीं करते, आ जाओ भाई फर्स्ट वैल्करी बस इस मिटियो एलजे को। ये क्या मारा है यार, क्या मारा है, रुको कितने बेब्लेड से जीत गया, 4, 2, 6, 3, 9, 11, 12 बेब्लेड से जीत चुका है, वाह ये क्या कर दिया मैंने यार, ये तो लेफ्ट हो गया फिर से, रुको फिर करते हैं लेफ्टी वोल्केनो हिलियोस। 3, 2, 1 हो जाती है, इसके तो तोते उड़े हुए हैं, ये जो लॉन्चर है लेफ्ट स्पिन में थोड़ा दिक्कत करता है। शिट यार वोल्केनो हिलियोस जीत जाता है भाई, इसकी जो पावर है ना जो स्पीड है वो अनबीटेबल है, 13 बेब्लेड से जीत चुके हैं कई स्वेफियर, लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट हो गया है। ओके इन 3 एंड 2
चलो चले चलो चले, अभी तो मेटल फाइट सारे ही बचे हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 14 15 पेपलेट बचे हैं। कौन जीता है गाइस? मेरे ख्याल से एल्ड्रैगन जीता है शायद, तो रखते हैं इसको साइड में। अगर मेरे से इसमें गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं मेरा ध्यान वहाँ था। अगर फैफनियर जीता है तो बता देना कमेंट्स में कि वो जीता है, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं था मेरा बिल्कुल भी। लेफ्ट वालों से कर लेते हैं यार। गाइस फैफनियर दो दो कैसे हैं? अबे यार गाइस फैफनियर जीत गया है भाई, कमाल कर दिया। ठीक है गाइस फैफनियर जीत गया। गाइस पारी है इसकी, जो फास्ट होगा वो जीतेगा। चलो बच गया भाई एल्ड्रैगन। फास्ट फास्ट तो था हमारा लुइनोर, लेकिन फिर भी एल्ड्रैगन ने अपना संभाल लिया सब कुछ और बस्ट बस्ट कर दिया। ये दूसरा बस्ट है इस पूरे बैटल का भाई, मतलब पहला जो बस्ट हुआ है वो हुआ है बीयू बेब्लेड का, और जो दूसरा बस्ट हुआ है वो बेब्लेड बस्ट का हुआ है। नाइस, कुछ भी हो सकता है गाइस। हेल कर बेस, रुको कोई लेफ्ट है वैसे? आई थिंक नहीं है, नहीं है और कोई लेफ्ट बेब्लेड? हाँ है ना, ये भैया जी बचे हुए हैं गाइस। ये भैया जी जीत सकते थे अगर कोई लेफ्ट राइट स्पिन बेब्लेड होता तो। क्या सीन है यार, क्यों सीन है ये? रुको रुको गाइस, माफ़ी चाहूँगा मैं। ओ ये भी बस्ट होगा, हो सकता है लेफ्ट बस इस लेफ्ट में तो हो ही सकता है बस्ट, राइट बस इस लेफ्ट में बस्ट होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है गाइस, इसके बाद सारे मेटल फाइट बच जाएंगे इनके बाद। एमएटी एल्ड्रैगन जीत गया गाइस। एक्सकलियस, शिट एक्सकलियस जीत गया, कमाल कर दिया भाई, जीत गया ये। स्लो मोशन में करके देख लेना, पहले एमएटी एल्ड्रैगन बाहर गया है। ठीक है वेलक्री, कमाल कर दिया यार। ओके वेल्ट्रियाक हारता है। वैसे गाइस तीन वेल्ट्रियाक जीते हैं ये बैटल, कमाल है यार। ये हारा था ना ये, क्या? अच्छा ये इसकी तो फाइट ही नहीं हुई, सॉरी। बस होगा ये, बस होगा ये, बस होगा, बस होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यस देखा, हो गया बस्ट। ठीक है गाइस कुछ बेब्लेड बचे हैं, फिर मेटल फाइट पे आ जाएंगे, मजा आएगा फिर। अभी तक चल रहा है हमारा मीटियो। ओके 3 2 1 हो गया। देखो गाइस जोश में होश खो बैठा हूँ यार, गोली की तरह जाते हैं कई बार तो, पता नहीं क्यों। ओ हो यार बड़ा बेकार लगता है जब लॉन्च नहीं होते, देखना अजीब सा है, तो लॉन्च ही नहीं हो रहा। गाइस ये हार गया, मैंने लगभग 10 बार लॉन्च किया होगा उसको, हुए नहीं यार। डेथ साइथर देखते हैं भाई, डेथ साइथर हारेगा, डेथ साइथर भी हारेगा, सब हारेंगे गाइस। सब मुझे नहीं लगता बस में से अब कोई भी जीतेगा, पहले ही काफी जीत चुके हैं भाई, अभी तो मेटल फाइट्स बाकी हैं। वो तो तोते उड़ाएंगे उड़ाएंगे एल्ड्रैगन के। मेरे को ना ऐसा लगता है ये हार गया है, जो बेबलेट स्पिन स्टीलिंग में जीते हैं ना वो वापस ले आता हूँ मैं। कौन से जीते थे? दो बेबलेट, तीन बेबलेट जीते थे गाइस। कौन से जीते थे याद नहीं मेरे को, ये दो जीते थे और एक और जीता था। हाँ ये तीन बेबलेट जीते थे मैं। जो स्पिन स्टीलिंग 10 बेबलेट वाला सीन था ना, वो इसकी इन मेटल फाइट के साथ कर लूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इनसे दोबारा कर लेते हैं गाइस, वो
बढ़िया रहेगा गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि मेटल से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ये वाला सीन, पेंसिलिंग वाला। चलो सेवियर से करते हैं अब। मॉन ओके ठीक है, सेवियर फिर भी जीत गया, स्लैश सॉरी स्लैश स्लैश फिर भी जीत गया गाइस। तो वेलक्री जितने जीते थे वो जीते ही हैं। यूनियन को देख लेते हैं, नहीं यूनियन को हरा दिया गया है, यूनियन जाता है बाहर। ओके हर इसकी देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट रफाइल से, ग्रेटेस्ट रफाइल जीत जाएगा। हाँ ग्रेटेस्ट रफाइल जीत जाएगा। तो एक बेबलेट ही हारा बस यूनियन अखिलेश, और कोई हारा नहीं है फिर भी, तो जो जीतना था वो जीतेगा ही, अगर नहीं जीता तो फिर दिक्कत है। कोई नहीं, हाँ नहीं जीतेगा, बैलेंस ही खराब कर दिया भाई ग्रेटेस्ट रफाइल का। तो नीचे से वार हो रहा है ना, तो तोते उड़ गए भाई ग्रेटेस्ट रफाइल में, बट कुछ भी कर सकते हैं ये, कुछ भी हो सकता है अभी भी, बोला था मैंने, देखा जीत ही गया भाई, ग्रेटेस्ट रफाइल जीतता है गाइस। ओके बारी है अब ये बचे कुचे बेबलेट्स की। मोहन जल्दी करो यार फिनिश, दो दो कर देता हूँ मैं एक साथ। ये यही तो देख रहा था, दो दो कर दिए भाई, दो दो तोते उड़ा दिए दो दो में तो। भाई अभी तक चल रहा था एल्ड्रैगन, तो चलो फिर से दो दो करेंगे, इन दो की करेंगे। मीडियो एल्ड्रैगन को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको तो स्पिन स्टीलिंग ही करनी है, कैसे कर लो। चलो भाई रोकटोवर, अरे यार अबे रुको, सर्दियां हो गई हैं टूट ना जाइए यार ये बेबलेट। ठीक है ड्यूअल लॉन्च करेंगे, बहुत परेशान करते हैं यार कभी कभी। जीतता है एल्ड्रैगो, पता नहीं हुआ क्या है लेकिन जो भी हुआ है जीत गया एल्ड्रैगो। कहाँ इनके टुकड़े, ये रे आपस में भिड़ के मर गए गाइस, एल्ड्रैगो ने कुछ किया ही नहीं। ठीक है ये जल्दी फिनिश हो जाएगा अभी। हाँ ओके ये यूनिक था गाइस, इसको तो पल भर में चप्पल पल क्या कहते हैं उसको, पल चपकते नहीं जो भी था गाइस, पल भर में तोते उड़ा दिए ऐसा कह सकते हैं। ओके बस बेबलेट खत्म होते हैं सारे के सारे ही, मेटल फाइट्स आ जाते हैं अब सारे के सारे ही। आ जाओ भाई मेटल वर्सेस मेटल, अब आएगा असली मजा। सजिटेरियो प्री हाइब्रिड वर्सेस बेटियो एल्ड्रैगो, ये अब होगी बैटल। और गया पहला बेबलेट बाहर, सजिटेरियो प्री हाइब्रिड सोल ब्लेज। एक मिनट ये भी तो कर सकते हैं हम, एल्ड्रैगो को चलता छोड़ देते हैं और सबको लॉन्च कर देते हैं। रे स्ट्राइकर अरे अच्छा करो यार जल्दी, फिनिश करो भाई। नेक्स्ट बेबलेट भी चलाना है, जल्दी करो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे में ही चला लूँ। नहीं होगा। हाँ पावर ही नहीं बची यार मीटियो पे। ओके फिर से करेंगे, ये मेरे से गलती से हुआ गाइस, ठीक है दोबारा करेंगे। यार ये जंप क्यों करता है भाई, क्या बाउंस लगा गया नीचे, ऐसे 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 कौन जंप करता है। ओके बाहर भाई, मेटल फाइट में तो तड़क भड़क हो रही है। डियाब्लो नेमेसिस
भाई एक टक्कर में हिला दिया डायबलोस, फिर दूसरे टक्कर लगी नहीं गाइस। पॉइजन सर्पेंट नेक्स्ट बेब्लेड, मेटल फाइट की मुझे लगता है बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बस वालों ने ही टाइम लगाया गाइस, लेकिन एक घंटा तो लगेगा। मी ये डायबलोस को भी तोते उड़ा दिए भाई, अभी तक एक मेटल फाइट बेब्लेड जीता नहीं है गाइस, बता देता हूँ मैं, और हार गया। पॉइजन सर्पेंट, ओके मीटियो एल्ड्रैगन को जीत गया। पॉइजन सर्पेंट पहले बार गया है, देख लेना स्लो मोशन करके। गैलेक्सी वर्सेस मीटियो, ओ भाई गैलेक्सी बहुत गलत हुआ है लेकिन हो गया, गैलेक्सी पेगासस जीत गया गाइस, पहला मेटल फाइट बेब्लेड जो जीता है गैलेक्सी पेगासस। नेक्स्ट है प्री हाइब्रिड पेगासस, लेट्स सी क्या होता है। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एल्ड्रैगन हारने वाला है बहुत बुरी तरह से, और बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। दो पेगासस, दोनों पेगासस जीत गए। तीसरा रे स्ट्राइकर पेगासस, रे पेगासस नहीं स्ट्राइकर, स्ट्राइकर गैलेक्सी जो भी है, गैलेक्सी स्ट्राइकर जो छोड़ो यार। भाई मेटल फाइट तो लगभग सारे ही जीत रहे हैं, सीन क्या चल रहा है ये भाई। गैलेक्सी पेगासस भी जीत गया, नहीं गैलेक्सी स्ट्राइकर जो भी है, बढ़िया बेब्लेड है, शक्ल अच्छी दिखती है उसकी। सजिटेरियो से करते हैं, सजिटेरियो हारेगा गारंटीड, 101% 101%। अभी टाइम लगेगा इनकी फाइट होने में, ये क्या टूटा यार। अच्छा गाइस ये मेरे को अभी भी याद है, इसने चोट मारी थी मेरे को, कहाँ मारी थी, यहाँ मारी थी शायद, या यहाँ मारी थी पता नहीं। सजिटेरियो हारेगा गाइस, लिख के ले लो, सजिटेरियो की कमजोरी दिखेगी अभी सबको। जैसे कि मैंने बोला था कमजोरी दिखेगी, हार गया सजिटेरियो। नेक्स्ट बेब्लेड लियोन, लियोन जीत सकता है, लियोन दो द्वारी तलवार भाई, दो द्वारी तलवार, हारना जीतना दोनों कर सकता है वो। यही यही बहुत लंबी फाइट की जाती है ना, तब दिक्कत होती है। ओके सब सेट कर दिया है, अरे यार पहले ही टक्कर हो जाती, हारना ही था तो इतनी देर लगानी जरूरी थोड़ी। ओके ये अननोन बेब्लेड बिना फेस बोल्ट, अननोन बेब्लेड जीता है बहुत बुरी तरह से कैसे जीत रहे हैं यार ये, छोड़ो जीत रहे हैं वो बड़ी बात है। ओह नो नो शेड भाई, बॉस बेब्लेड के सामने जितना बढ़िया कर रहा था उतना ही घटिया कर रहा है मेटल फाइट बेब्लेड के सामने ये, और गैलेक्सी पेगासस ग्रीन कलर ये और भी डेंजरस है। क्या हर गैलेक्सी पेगासस की तरह ये भी जीतेगा, क्या हर गैलेक्सी पेगासस की तरह ये भी जीतेगा, क्या जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नहीं हार सकता है, अब हार सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, अब कोशिश काफी की है गैलेक्सी पेगासस ने। ये तो ड्रॉ हो गया भाई कंप्लीटली, या तो कह सकते हो गैलेक्सी पेगासस जीत गया थोड़ा सा, ये मानेंगे नहीं लोग ले इसे, इसलिए दोबारा कर लेते हैं। ओहो हो ओहो फिर से ड्रॉ होगा, फिर से ड्रॉ होगा, नहीं जीत गया भाई। तो कहानी कुछ ऐसे है गाइस कि गैलेक्सी पेगासस जितने भी थे सारे जीत गए, गैलेक्सी का जिसमें भी व्हील था ना वो सारे जीत गए मीटियर ड्रैगन से,
ये तीनों में व्हील था और तीनों ही जीत गए भाई गैलेक्सी। और कमाल की बात है ये पेगासस है और ये भी पेगासस स्टॉर्म पेगासस का ही व्हील है, तो मतलब एक टाइप से एल ड्रैगो अब तक सर सिर्फ और सिर्फ पेगासस से हारा है इनसे, और ये अलग था थोड़ा सा। तो यार ये तो लॉजिक थोड़ा सा अलग ही हो गया भाई। रुको मोड चेंज करते हैं, एल ड्रैगो का कुछ ज़्यादा ही हार रहा है अब ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और ये 1 vs 100 की वीडियो इतनी लेट इसलिए आई है क्योंकि भाई बहुत बहुत टाइम लग जाता है इसमें और हिम्मत बनानी पड़ती है भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए इसके लिए। इतनी देर खड़े होके वीडियो बनाना और बोलते रहना, ये देखते हैं भाई क्या जीत पाएगा इससे। इस पे लॉन्ग लॉन्ग परफॉर्मेंस टिप है, इसके नीचे बेस कह लो उसको। अरे भाई ये मस्त लगता रहा यार, सेजिटेरियो में लगाऊं? अरे भाई झंडे काट दिए थे इसने तो, खत्म हो गया था एक बार में, ये तो संभल गया, लेकिन लगता है मेरे को ये जीत जाएगा। आखिर कब तक स्पिन सीलिंग कर सकता है ड्रैगो, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता था। तो ये बेब्लेड भी जीत गया गाइस, इसका ये लंबा सा है ना ये बेस। बारी है ट्विस्टेड टेम्पो, ये भी जीत जाएगा। जीत गया भी, समझ ही लो भाई ट्विस्टेड टेम्पो को हराने की कोई चांस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है गाइस। अरे हाँ स्पिन स्टीलिंग करके हरा सकते हैं, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। तोते उड़ा दिए गए हैं, अरे भाई स्पिन स्टीलिंग चल रही है भाई बहुत बुरी तरह से। देखो इस टक्कर की आवाज तक नहीं आ रही, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रबड़ यूज कर रहा है एल्ड्रैगो पूरा, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है ट्विस्टेड टेम्पो जीत जाएगा, बोला था मैंने ट्विस्टेड टेम्पो भी जीत गया गाइस। बारी है ईगल की, ओह शिट ईगल भी जीत गया, दोबारा करेंगे ये बैटल, अच्छे से हुई नहीं है। और वीडियो का एंड एंड आते आते भाई एनर्जी खत्म हो जाती है गाइस, तो माफी चाहूंगा मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा। ओ भाई झंडे गाड़ दिए इस बार तो ईगल के, लेकिन फिर भी ईगल जीत सकता है कंप्लीट, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, जीत सकता है, जीत सकता है, नहीं जीत सकता, जीत सकता है, जीत सकता, कुछ भी हो सकता है, जीत जाएगा यार, जीत गया अर्थ ईगल भी जीत गया बस। भाई सभी जीत रहे हैं यार, ये तो सीन ही अलग हो रहे हैं भाई, मेटल फाइट तो एक टाइप से मीटियो एल ड्रैगो के लिए अजी गलत हो गया भाई। अब मैं इसमें पहले भी हारा था मीटियो एल ड्रैगो जब इसमें मेटल फेस बोल्ट था, और अभी भी हारा है ये प्लास्टिक फेस बोल्ट के साथ भी, छोड़ो क्या ही करें। ओके इन्फिनिटी लीब्रा, कम ऑन जीतना होगा भाई, हर बार ऐसे हार के काम नहीं चलेगा। इस बेब्लेड से डर लगता है गाइस, ये चोट मारता है भाई के। क्या इन्फिनिटी लीब्रा भी जीत जाएगा भाई? अभी तक लगभग सारे ही जीत रहे हैं मेटल फाइट्स वाले, कुछ बेब्लेड हारे हैं बस, जो जो फेक थे वो हारे हैं बस, नहीं ओरिजिनल भी हारे हैं वैसे, फेक भी आ रहे हैं। एल्ड्रैगो जीत गया है, थोड़ा सा मिली सेकंड से जीता है लेकिन जीत गया। शिट भाई इतनी बार गिरा ना एल्ड्रैगो, इतनी बार गिरा है इस वीडियो में, क्या है बताऊं। ओहो नहीं नहीं इसको हाथ से नहीं रोकूंगा मैं, एक बार गलती कर चुका हूं, शॉट मारता है बहुत गंदे वाली है। एक बार और करते हैं, हाँ सेम रिजल्ट, तो कोई चांस ही नहीं है भाई, जिससे हारना होता है उससे हारना ही होता है,
इसको नहीं रोकूंगा भाई मैं ऐसे। चलो ये भी जीत गया, कर्बियस, हेडस कर्बियस। बारी है प्रोटोटाइप नेमेसिस। हाँ भाई साहब, बहुत ही थकाने वाला काम है। मेरे को लगता है प्रोटोटाइप नेमेसिस जो है हाँ जीत जाएगा। यार क्या टूटा है अभी अभी? कोई बोल्ट निकला भाई। ये देखो गाइस, ये प्रोटोटाइप नेमेसिस का निकला है गारंटेड। हाँ ओके, प्रोटोटाइप जीत गया। ये देखो यहाँ से निकल गया, यहाँ पे लगेगा। मैंने सुना था इसमें मैग्नेट होता है, लेकिन नहीं होता, फेक वाले में नहीं होता गाइस, ओरिजिनल वाले में होता है। प्रोटोटाइप नेमेसिस जीत गया, कमाल की बात है। डियाब्लो नेमेसिस हार गया, लेकिन प्रोटोटाइप जीत गया। चलो भाई एल्ड्रेको डिस्ट्रक्टर से करते हैं। ये एल्ड्रेको डिस्ट्रक्टर हारता है बहुत बुरी तरह से। यार ये सीन बढ़िया था। देखो डार्क बुल, वो बच गया भाई, मीडियो बच गया। ओ ये इस बार तो उड़ा दिए गए हैं डार्क बुल के। कब तक? डार्क वुल्फ है गाइस, ये बुल नहीं है। हाँ यार इतनी देर टिक कैसे गया ये? अभी तक तो ये तोते उड़ने वाले थे इसके। भाई मैं थक गया क्योंकि हार गए अभी। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर लेफ्ट ही कर देते हैं यार, छोड़ो इसको भी। ओ मैं लॉन्च करना सीख गया गाइस, लॉन्च करना मैं सीख गया, और अब मैं शायद जीत जाऊंगा सब बेब्लेड से। नहीं सीखा, एक और ले लेते हैं भाई, जल्दी फिनिश करते हैं। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो गई बेफालतू में। चलो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर हारता है, इससे भी कर लेते हैं भाई। जब तक पावर मिलेगी मीटियो एल्ड्रैगो चलता रहेगा। ओके ये हार गया, इन दोनों की दोबारा करेंगे। कम ऑन, तड़क भड़क चाहिए, तड़क भड़क चाहिए, तड़क भड़क। यार मट्टी पलीत। अब फिर से वेट करो, कितने बेबलेट बच गए? 12 बेबलेट, 9 बेबलेट बच गए हैं। 9 बेबलेट यानी कि 5-6 मिनट वीडियो और चलेगी भाई। ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, ये कितना बुरी तरह से पिटा भाई, फिर भी चल रहा था इतनी देर से। चलो जमियो उससे करते हैं। ये बेबलेट जीत जाता है हमेशा ही, पता नहीं क्यों, पता नहीं तो क्यों है, क्या है यार। रुको अभी साइड थोड़े कम बचे हैं तो ऐसे कर लेते हैं। ये बेबलेट के हैमर जैसे अटैक्स हैं। ये देखा, लॉन्च करना आ गया मेरे को। इससे करते हैं क्रोनोस। ओके 3-2-1 हो जाए शुरू। अबे यार फिर से 1 मिनट खराब होगा। एक घंटा 4-5 मिनट की वीडियो हो गई है यार ये। ओहो अब तक की सबसे लंबी वीडियो हो गई है गाइस ये 1 vs 100 में, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो हमारा मानना था कि 20 बेब्लेड से हारेगा ये, उससे ज़्यादा से ही हारा है अभी तक तो लग रहा है मेरे को ऐसा ही। बट गिनेंगे हम, फिर पता चलेगा असली कहानी। अभी तो इनकी स्पिन स्टीलिंग चल रही है।
और एल्ड्रेगो हारता है। ठीक है, बारी है एक और एल्ड्रेगो से करने की, अशोल्ट एल्ड्रेगो, अशोल्ट मीटियो एल्ड्रेगो। ओहो, इनकी फाइट नहीं हुई है, दोबारा करेंगे। एक मिनट गाइस, इसकी ब्लू है, मेरे को एक आइडिया आया, करेंगे इनको। ओ मेरे हाथ में आ गया। रुको आइडिया दिखाता हूँ, मेरे पास ये है एब्जॉर्ब वाला मेटियो एल्ड्रेगो, तो देखते हैं इसमें फिट हो जाएगा या नहीं होगा। ये अगर हो गया तो बारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, नहीं हुआ तो भी हमारा क्या जाता है, हो गया तो मौज है भाई। और हो गया ये, अरे नाइस, ये नहीं सोचा था मैंने, बट ये तो हो गया, हमारा नया बेबलेट बन चुका है ये, नाइस। वो मेरे को इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो ये तो मज़ा आ जाएगा अब। नाइस, एब्जॉर्ब मीटियो एल्ड्रेगो ये। अब इन दोनों की फाइट करके देखें क्या, बात तो वही है, तोते उड़ने हैं वो तो उड़ेंगे ही गाइस, कर लेते हैं। दो सेम सेम मीटियो एल्ड्रेगो रिकलर्ड वर्जन, एक थोड़ा सा ज़्यादा ऑफेंसिव है, एक थोड़ा सा कम ऑफेंसिव है, एक का स्टैमिना थोड़ा सा ज्यादा है, एक का स्टैमिना थोड़ा सा कम है, दोनों का काम एक ही है स्पिन स्टीलिंग, लेकिन दोनों ही लेफ्ट रोटेशन होने के कारण वही नहीं कर सकते, तो अपनी रो पावर पे जीतना पड़ेगा इनको। और रो पावर मुझे लगता है एब्जॉर्ब वाले की ज्यादा है और मीटियो एल्ड्रेगो नॉर्मल वाले की कम है, क्योंकि उसकी टिप थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, बस यही था। बट ये छोड़ो इशार, ये तो अलग ही वर्जन था, इसको तो गिनेंगे नहीं हम, वैसे ही कर रहा था मैं इसकी फाइट। अरे यार मैं तो वीडियो लंबी कर दी बेफालतू में, छोड़ो। अनुबिस 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 गया गोली की तरह बाहर, अनुबिस की टक्कर लगी है यहां से, तोते उड़ा दिए मैंने अनुबिस की, तो चलो अनुबिस हार गया, इसकी बारी है, इसका नाम ही भूल गया मैं, रुको यार फिर से करेंगे, फिर से फिर से फिर से फिर से, अरे ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। हाँ जीत गया ये यार, बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को एल्ड्रैगो के लिए, बहुत सारे बेबलेट से हार गया ये। मैं सोच रहा था ऐसे जीत जाएगा यार, छोड़ो फिर से करनी पड़ेगी, इस बार ढंग से करेंगे गाइस। बाहर, फैंटम से बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में फैंटम ओरेंज से। ओहो भाई, कोई भी बेबी डाके मार के जा रहा है यार, हद हो गई यार, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है अब सच में मीटियो एल्ड्रेगो के लिए। जितना अच्छा बर्स्ट में परफॉर्मेंस की है, उतना अच्छा मेटल वालों के साथ नहीं कर पाया मीटियो एल्ड्रेगो। चलो भाई सिद्ध हो गया मीटियो एल्ड्रेगो, नॉट अ गुड बेबलेट, नहीं गुड बेबलेट तो है, 70% तो फिर भी विनिंग रेशो है इसका, लेकिन वो 80% वाला सीन नहीं है अभी इसमें, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है गाइस, कम कम नहीं है, काफी कम है। एक दो बेबलेट भी होते तो हम सोच सकते थे, लेकिन ज्यादा ही बेबलेट से हार गया ये, वो मेरे को लग रहा है इससे भी हारेगा। ओ बच गया भाई, इससे तो जीत गया, लास्ट लास्ट बेबलेट है फैंटम ओरायन। चलो भाई फैंटम से देख लेते हैं अब, 3 2 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। क्या हो रहा है ये। शिट यार, ठीक है
फैंटम ओरायन जीत गया भाई। फैंटम ओरायन एक टाइम से वेट कर रहा था यहाँ यहाँ घूम के, यहाँ यहाँ घूम के, कि कब एलड्रैगो ऐसे आएगा और कब मैं उसको बाहर फेंकूंगा। भाई इसने तो पूरी स्ट्रेटजी बना के फेंक के मारा है मीटियो एलड्रैगो को। ठीक है, तो ये था मीटियो एलड्रैगो, और इसकी देख लेते हैं भाई कितने बेब्लेड से हारा है ये। अभी रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तो मेटल फाइट से हारा ये। अरे भाई, जिसमें से मैक्सिमम पेगासस हैं। यार पेगासस, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29 बेब्लेड से हारा ये 71% विनिंग रेशियो के साथ। अगर इसको भी जोड़ोगे तो 70% विनिंग रेशियो, यानी कि 30 बेब्लेड से हारा है। तो ये था भाई भाई साहब का विनिंग रेशियो इनका, तो बहुत बुरी तरह से हार की सवा चकना पड़ा है। 10 बेब्लेड ज़्यादा से हारा है ये। हमने 80% विनिंग रेशियो सोचा था भाई का, लेकिन भाई ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी स्पिन स्टीलिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है ये, तो तालियां होना चाहिए स्पिन स्टीलिंग के लिए। तो ठीक है गाइस, थक चुका हूँ मैं। तो भाई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मोस्ट प्रोबेबली नए लोड के साथ। तो बाय बाय गाइस।